गुड मॉर्निंग किड्स टुडे इन दिस वीडियो विल डिस्कस द बैक एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर फोर टिक द करेक्ट ऑप्शन जो भी ऑप्शन हमारा जो करेक्ट होगा उसमें हमें टिक लगाना है फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल एनिमल जो भी ऑप्शन है हमारा थ्री ऑप्शन आ रही है इसमें हमें स्मॉल एनिमल को टिक करना है फर्स्ट ऑप्शन इज जिराफ सेकेंड इज रैबिट एंड थर्ड इज हॉर्स जिराफ आप कभी जू गए हो जू में कभी जिराफ को देखे हो जिराफ बहुत ही टॉल होता है उसकी जो नेक होती है बहुत ही लंबी होती है तो वो तो स्मॉल एनिमल नहीं होगा वो क्या हो जाएगा बिग एनिमल वो क्या है बिग एनिमल है हॉर्स भी हॉर्स भी छोटा नहीं होता है हॉर्स भी बड़ा होता है वो भी एक बिग एनिमल है रैबिट रैबिट स्मॉल एनिमल है ये दो हमारा बिग एनिमल हुआ आंसर क्या हो जाएगा हमारा रैबिट नाउ सेकेंड क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग बर्ड्स कैन फ्लाई इनमें से कौन सी बर्ड ऐसी है जो फ्लाई करती है ऑस्ट्रिच कीवी स्पैरोस्ट ऑप्शन में देखेंगे ऑस्ट्रिच क्या ऑस्ट्रिच फ्लाई करते हैं ऑस्ट्रिच नहीं इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड फ्लाइटलेस बर्ड मीन्स जो उड़ नहीं पाती है कीवी किवी इज ऑल्सो अ फ्लाइटलेस बर्ड कीवी भी उड़नी उड़ नहीं पाती है दीज बोथ आर फ्लाइटलेस बर्ड नेक्स्ट इज स्पैरो स्पैरो हर किसी के घर में मिलता है जब भी अपने छत पे जाना तो एक छोटी सी ब्राउन कलर की बर्ड होती है वो क्या होती है स्पैरो तो वो क्या फ्लाई कर नहीं पाती है एक जगह से दूसरे जगह उड़ती है ना तो विच आर द फॉलोइंग बर्ड्स कैन फ्लाई तो क्या हो जाएगा sparrow ostrich and kiwi are flightless bird and sparrow sparrow is a bird which can fly third question birds do not have birds ke paas kya nahi hota feathers beaks teeth feathers pehle hum option dekhenge feathers feathers matlab जो उनके body पे छोटे छोटे जो hair होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं feathers वो तो उनके पास होता है beaks बीक्स मतलब चोज, चोज भी होता है उनके पास जिनकी हेल्प से वो खाते हैं तीत क्या उनके पास तीत होता है नो दे डोंट हैव टीथ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा तीत बर्ड्स डो नॉट हैव तीत फोर्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट इसमें से इंसेक्ट कौन नहीं है तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है आंसर इज इंसेक्ट फिफ्थ क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर कौन सा ऐसा एनिमल है इसमें से हमें चूज करना है जो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है ऑस्ट्रिच फ्रॉग लेपर्ड फर्स्ट ऑप्शन इज ऑस्ट्रिच क्या ऑस्ट्रिच लैंड और वाटर दोनों में रहता है फ्रॉग गेस फ्रॉग लैंड और water दोनों में रहता है लेपर्ड भी सिर्फ लैंड पे रहता है तो हमारा क्वेश्चन है which of द फॉलोइंग कैन live बोथ ऑन लैंड एंड इन water? लैंड और water दोनों में तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रॉग नाउ फिल इन ईच ब्लैंक with द करेक्ट वर्ड ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है हम लोगों को यहाँ से ऑप्शन चूज करके लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन एनिमल्स आर डैज थिंग्स लाइक एनिमल्स कैसे थिंग्स हैं लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं लिविंग थिंग्स मतलब जो ब्रीद करते हैं जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो ईट करते हैं उसे उन्हें हम क्या कहते हैं लिविंग थिंग्स और जो ईट नहीं करते हैं जो ब्रीथ नहीं करते हैं क्या बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स तो एनिमल्स क्या हो, क्या है एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं खाते भी हैं ब्रीथ भी करते हैं तो क्या हो जाएंगे वो लिविंग थिंग्स एल आई वी आई एन जी लिविंग सेकेंड द कैमल इज अ वेरी डैश एनिमल कैमल कैसा एनिमल है स्मॉल एनिमल है या बिग एनिमल है कैमल कभी आप लोग देखे हो कैमल हम लोगों से भी ऊंचा होता है हम उसकी हाइट हम लोगों से भी ऊँची होती है तो उसे हम स्मॉल एनिमल बोलेंगे नहीं उसे हम क्या बोलेंगे बिग एनिमल तो आंसर क्या हो जाएगा द कैमल इज़ अ वेरी बिग एनिमल पी आई जी बिग थर्ड बर्ड्स हैव टू डैश ऑन बॉडी बर्ड्स के पास दो क्या होते हैं फेदर्स होते हैं या विंग्स होते हैं आंसर इज विंग्स जिसकी हेल्प से वो फ्लाई करती है डब्ल्यू आई एन जी एस विंग्स फोर्थ क्वेश्चन इंसेक्ट्स हैव डैश लेक्स इंसेक्ट्स के पास कितनी लेक्स है सिक्स लेक्स या एट लेक्स द आंसर इज सिक्स ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इंसेक्ट्स के पास कितनी लेक्स होती है सिक्स लेक्स फिफ्थ क्वेश्चन द स्नेक इज डैश स्नेक क्या है एन इंसेक्ट या अ रेप्टाइल स्नैक अपने बेली पे चलता है बेली पे क्रॉल करता है ना तो जो एनिमल्स बेली पे क्रॉल करते हैं बेली पे चलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं रेप्टाइल तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा द स्नेक इज अ रेप्टाइल आर ई पी टी आई एल ई रेप्टाइल नाउ गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग जो भी क्वेश्चन है हमारा उसमें हमें दो एग्जाम्पल्स देना है फर्स्ट क्वेश्चन इज बर्ड्स डेट के नॉट फ्लाई ऐसी कौन सी दो बर्ड्स है दो एग्जाम्पल लिखना है ऐसी कौन सी दो बर्ड्स का एग्जाम्पल हम लिखेंगे कि जो बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पाती हैं तो हमारा आंसर क्या है ऑस्ट्रिच ओ एस टी आर आई सी एच ऑस्ट्रिच एंड के आई डब्ल्यू आई कीवी बर्ड्स दैट के नॉट फ्लाईस्ट्रिच एन कीवी नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज इंसेक्ट दैट कैन फ्लाई ऐसी दो इंसेक्ट्स का नाम लिखना हमने जो फ्लाई करती है तो विल राइट हाउस फ्लाई एच ओ यू एस सी हाउस एफ एल वाई फ्लाई हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई पी यू डबल टी ई आर एफ एन वाई दीज आर द इंसेक्ट्स विच कैन फ्लाई और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं लेकिन हमें सिर्फ टू का नाम लिखना है तो हम मैंने क्या लिखा हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई थर्ड क्वेश्चन रेप्टाइल्स डेट हैव स्मॉल लेग्स रेप्टल्स ऐसे ही दो रेप्टाइल्स का नाम लिखना है जिनके पास दो सॉरी रेप्टल्स डैट हैव स्मॉल लेग्स रेप्ट तो, स्मॉल स्मॉल लेग्स होते हैं जो क्रॉल करते हैं भी बेली का यूज भी करते हैं और अपने लेग्स का भी यूज़ करते हैं एक तो सबसे पहले आपके घर पे ही दिखता होगा और आपके रूम में भी होता होगा कभी कभी दिख जाता होगा दैट इज लेजर्ड एल आई जेड ए आर डी लेजर्ड लेजर मीन्स छिपकली दैट इज़ ऑल्सो रेप्टाइल एंड नेक्स्ट इज क्रॉकोडाइल सी आर ओ सी ओ डी आई एल ई क्रॉकोडाइल क्रोकोडल इज ऑल्सो रेप्टाइल फोर्थ क्वेश्चन एनिमल्स डेट लिव इन ट्रीज ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो ट्रीज पे रहते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन सा एनिमल जाएगा मंकी मंकी ट्री पे रहते हैं एमओ एन के वाई मंकी और क्वाला के ओ ए एल ए क्वाला these are the animals that live on live in trees students these question answers will be discussing in the next video यहाँ पे दो और है the animals यहाँ पे जम्बल वर्ड किया हुआ है जम्बल लेटर्स है और हमें आंसर सही करके लिखना है दिस एनिमल्स रंस द फास्टेस्ट ऑन लैंड कौन सा ऐसा एनिमल है जो सबसे तेज दौड़ता है लैंड पे आंसर इज चीता सी एच डबल टी एच चीता